हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हिंदी की क्लास में। चलिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न नंबर एक हमसे पूछता है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो उसको हम कहते हैं अजात शत्रु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, हमसे पूछता है, समस्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति, ऐसी शक्ति जो अपनी ओर सभी पदार्थों को, समस्त पदार्थों को आकर्षित करती है, वह कहलाती है गुरुत्व आकर्षण। चलिए प्रश्न नंबर तीन पूछता है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अर्धवार्षिक का शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। अर्धवार्षिक कहते हैं जिसको हर महीने के क्रम में आधे वर्ष तक किया जाए, या छह महीने में एक बार किया जाए, छह महीनों के पश्चात किया जाए, या आधे वर्ष से संबंधित। देखिए यहाँ पर हर महीने का तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। छह महीनों में एक बार होने वाला छमाही होता है, और छह महीनों के पश्चात होने वाला इसका सही आंसर होगा, वह अर्धवार्षिक होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा नंबर फोर, वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे। देखिए ऐसा काव्य, कृति या काव्य एक ही बात है, ऐसा काव्य जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, उसको हम क्या कहेंगे, गति नाट्य कहेंगे, गदपद काव्य कहेंगे, मिश्रित काव्य कहेंगे, या चंपू काव्य कहेंगे। ये दो ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ये सही आंसर नहीं है, गति नाट्य तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा चंपू काव्य। देखिए चंपू काव्य का अर्थ ही यही है, आप सर्च कीजिएगा कभी कि जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसी को हम चंपू काव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर पांच हमसे पूछता है, जिसके सर पर चंद्रकला हो, चंद्रकला हो उसके लिए, उसको हम क्या कहेंगे, चंद्रचूड कहेंगे, चंद्रशेखर कहेंगे, शशि शेखर, या उपयुक्त सभी। तो इसके लिए हमें एक उपयुक्त जो है शब्द यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पर चंद्रचूड, चंद्रशेखर और शशि शेखर सभी सही होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर छह हमसे पूछता है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, यानी कि किसी वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है उससे अधिक जो मूल्य प्राप्त किया जाता है किसी वस्तु पर, उसको क्या कहेंगे, लाभ राशि, अधिभार, वैट, या अधिशुल्क, उसको हम कहेंगे अधिशुल्क, यानी कि शुल्क से अधिक लिया जाने वाला, सॉरी वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क हम इसको कहेंगे। प्रश्न नंबर सात, जिसका कोई घर ना हो, अब जिसका कोई घर ही ना हो उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, निर्वासित, निर्वासित तो जैसे निकाल दिया गया हो, लावारिस जिसका कोई ना हो, ठीक यहाँ पर घर से तात्पर्य नहीं है, जिसका कोई ना हो, अनिकेत हम उसको कहेंगे, ठीक अनिकेत। देखिए निकेत मतलब ग्रह, ठीक अनिकेत का मतलब होता है ग्रह या घर, ठीक आपने सुना होगा ना एक शब्द शांति निकेतन, यानी कि ऐसा घर जहां शांति का वास हो, ठीक। तो अनिकेतन यानी कि आ लग जाने पर जो है, आ हमारा उपसर्ग लग जाने पर जो है विपरीत अर्थ हो जाता है किसी भी शब्द का, तो निकेतन यानी कि जिसका निकेत जिसका घर हो, और अनिकेत जिसका घर ना हो। चलिए प्रश्न नंबर आठ हमारा पूछता है, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, यानी कि छोटे भाई को क्या कहेंगे हम, अनुज कहेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न नौ हमसे पूछता है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, उपमा नहीं दी जा सकती तो उसको हम कहेंगे अनुपम, ठीक। अनुपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, तुलना ना की जा सके, ठीक। उपमेय और उपमान मैंने आपको वीडियो में बताया था, उपमान किसको कहेंगे और अनुपमान, अनुपमान जिसके उपमान ना, मतलब उपमान होता है ना जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं, ठीक। अनुपमान जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, या जिससे तुलना नहीं की जा सकती, तो ये है जो तीनों शब्द हैं तुलना नहीं की जाने के लिए ही प्रयुक्त होंगे, ठीक। यहाँ पर तुलना जिसकी की जा सके, ठीक, यहाँ पर तुलना नहीं जिसकी की जा सके, या अनुपमेय जिसकी तुलना नहीं की जा सके, लेकिन जिसको उपमा ना दी जा सके, हमारे दो शब्द होते हैं उपमेय और उपमान, मैंने आपको बताया था कि एक
हमारा शब्द होता है उपमेय और एक होता है उपमान। अगर मैं यहाँ एक वाक्य लिखूं कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कमल के समान चरण, ठीक। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान जो होंगे, देखिए उपमेय हम कहेंगे जिस वस्तु से समानता बताई जाए, यानी कि जिसकी बात की जाए, जिस वस्तु या प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से जिससे समानता बताई जाए, जिस वस्तु से समानता को बताया जाए, जिस वस्तु के हम समान बता रहे हैं समानता बताई जाए, वह होगी हमारी उपमेय, ठीक। और उपमान, उपमान कहेंगे जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाती है, ठीक, या हम जिससे जिसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कहा कि कमल के समान चरण, तो मैंने यहाँ पर किसकी बात की, मैंने चरण की बात की, ठीक। और समानता किसकी, किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है, तो मैंने उपमा किसको दी, चरण को दी, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा उपमान, और मैंने किससे की, जिस वस्तु से समानता बताई जा रही है वो मेरा हो जाएगा उपमेय। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें अनुपम, यानी कि जिसको उपमा दी ही नहीं जा सकती, यानी कि ऐसे चरण है कि मैं उनको उपमा ही नहीं दे सकती हूँ किसी भी वस्तु की, ठीक। तो वो हो जाएगा अनुपम। अनुपमेय यानी कि जिससे तुलना ना की जा सके। अब कमल ऐसा है कि मैं इसकी किसी से भी तुलना नहीं कर सकती, मैं इसको उपमेय नहीं बना सकती, तो वह हो जाएगा अनुपमेय। और उपमान आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने बता दिया उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जाए, ठीक, और अनुपमान जिसकी तुलना ना की जा सके। समझ में आया होगा अब आपको, आई होप। चलिए, इन शब्दों में ना कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने चारों शब्दों को आपको क्लियर किया है कि अनुपम जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपमेय यानी कि जिससे तुलना ही ना की जा सके, ठीक। अनियेरा कमल यहाँ पर अनुपमेय हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसकी हम किसी को उपमा नहीं दे सकते, ठीक। उपमान जिसको हम उपमान मतलब जिससे हम उसकी किसी वस्तु की समानता को बता सकते हैं और जिसकी किसी वस्तु से तुलना नहीं की जाए। चलिए, प्रश्न 10 हमारा कहता है मूल कथा में आने वाली अन्य लघु कथा, यानी कि एक बड़ी कथा है, मूल कथा है, और उसके अंतर्गत आने वाली छोटी कथा को हम क्या कहेंगे, अंत्य कथा कहेंगे, ठीक। अंदर आई ना वो मूल कथा के अंतर्गत आई लघु कथा, तो उसे अंत्य कथा कहेंगे, इस लघु कथा को हम अंत्य कथा कहेंगे। प्रश्न नंबर 11 पूछता है पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या प्रयुक्त होगा, यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया जाएगा, पीछे चलने वाले को हम क्या कहेंगे, अनुगामी, अनुगामी, ठीक। और पश्चगामी हम कहते हैं पीछे हट जाने वाले व्यक्ति को, जो पीछे हट जाता है, जो पीछे हट जाए, ठीक। पुरागामी यानी के साथ साथ चलने वाला, ठीक, यानी के साथ साथ चलने वाला, या सफल होने वाला भी हम कह सकते हैं, ठीक, जो साथ साथ में सफल हो। अनुगामी पीछे चलने वाले को कहेंगे हम, और अनुकरण तो हम कहते हैं जो नकल करता है, नकल करने वाले को अनुकरण कहेंगे, नकल करने वाला, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न 12 हमसे पूछता है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, हर वस्तु को नश्वर मानने वाला अनित्यवादी होगा, क्योंकि नित्य जो नाम होता है, देखिए एक नित्य नाम भी होता है, इसका अर्थ होता है अनश्वर, ठीक, अनश्वर और अनंत भी हम इसको कहते हैं, अंत तक चल मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक। तो यहाँ पर नित्य का अर्थ होता है अनश्वर, तो अनित्यवादी वह सिद्धांत, वादी लग जाने पर सिद्धांत का ही भाव प्रकट करता है, तो अनित्यवादी वह सिद्धांत होगा जो हर चीज को नश्वर मानता है। चलिए, प्रश्न 13 जो कभी ना आया हो, अनागत विगत गमक अनाहूत, उसको हम कहेंगे अनागत, और विगत जो आ चुका हो। चलिए, इसका ऑपोजिट है ये, इसका ये विलोम है, विगत और अनागत, ठीक, अनागत जो आया ना हो और विगत जो आ चुका हो।
प्रश्न 14 हमसे कहता है, पूछता है, जो सबके मन की बात को जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्यामी। ठीक, सर्वज्ञ जिसे सब चीजों का ज्ञान हो, त्रिकालदर्शी जो तीनों कालों का ज्ञान रखता हो, अंतर्मन चक्षु। देखिए अंतर्मन चक्षु ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके नेत्र, जो नेत्रहीन होता है, नेत्रहीन होता है और वह अपने जो जिसके पास देखिए चक्षु नहीं होते पर फिर भी वह सब चीजों को महसूस कर सकता है आवाज के माध्यम से। ठीक, तो उसको हम ऐसे व्यक्ति को जिनके नेत्र नहीं होते पर वह सब कुछ बिना देखे भी सब कुछ समझ सकते हैं। हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई एक अंग की कमी होती है, जैसे आंख नहीं है, कान नहीं है या वह बोल नहीं सकता, पर उनके पास एक अंतर, एक ऐसी शक्ति होती है कि वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं वो। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर अंतर्मन चक्षु को प्रयोग किया गया है कि जिसके पास चक्षु यानी कि नेत्रहीन होते हैं परंतु वो अपने कानों से सब कुछ सुनकर बिना देखे भी अपने सामने जो भी है उनके उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न 15, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, ये प्राचीन काल में होता था कि महल में रानियों के लिए अलग एक निवास स्थान होता था, तो उसको हम क्या कहेंगे, रानीवास, अंतेपुर, हरम खाना या उपयुक्त सभी, सभी इसका आंसर होगा। ये तीनों ही शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं इस वाक्यांश के लिए। प्रश्न 16 हमसे पूछता है, जिसे किसी बात की जानकारी ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अनभिज्ञ। जिसको सारा ज्ञान हो उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 17 हमसे पूछता है कि पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, कोई पदार्थ बना है और उसका सबसे सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म जिसको हम भले प्रकार से देख ना सके, ऐसा भाग आकार में सबसे छोटा, ठीक, तो उसको कण कहेंगे, अणु कहेंगे, सूक्ष्माणु कहेंगे या परमाणु कहेंगे, उसको हम परमाणु कहेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न 18 हमारा हमसे पूछता है, जो तर्क से परे हो, जिस पर तर्क ही ना दिया जा सके, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, तर्कातीत कहेंगे, अतर्क कहेंगे, कुतर्क कहेंगे या अविवादित कहेंगे, उसको हम कहेंगे तर्कातीत, जो तर्क से परे हो। चलिए प्रश्न 19 हमारा हमसे पूछता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए प्रयुक्त एकल शब्द, गाल बजाना, ये तो हमारे मुहावरे हो गए, गप मारना, किंवदंती, उसको हम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे अतिशोक्ति। हमने अलंकार में भी पढ़ा है जब किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ा कर विशेषताओं का वर्णन किया जाता है तो ऐसे वाक्यांश को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों के लिए हम यूज करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं अतिशोक्ति। ठीक, अतिशोक्ति यानी कि अति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर शोक्ति वर्णन करना, ठीक, बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशोक्ति। प्रश्न 20 हमसे पूछता है, जो व्यतीत हो गया हो यानी कि जो बीत चुका हो उसको हम क्या कहेंगे, बीता हुआ, भूत, पुराना या अतीत, उसको हम कहेंगे अतीत, जो समय या जो बीत चुका हो व्यतीत उसको हम कहेंगे अतीत। चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, फिर से लेकर आएंगे हम आगे के प्रश्न अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही और इसको अच्छे से पढ़ें और धन्यवाद।